लॉकडाउन में हो गए हो बोर और आपका हो खाने का मन कुछ और, तो मुंह में पानी आए ऐसा खाना बनाए जिसके देखकर आपका मन ललचाए। तो चलिए गीतिका किचन के साथ जुड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशिता गीतिका किचन में आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ घर पे बन जाने वाली शाही पनीर टिक्का मसाला, जो कि बहुत ही इजी और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ट्रे में शाही पनीर टिक्का मसाला बना के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ इसकी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आप सबको यहाँ मैं यही बनाने बताने वाली हूँ कि शाही पनीर टिक्का मसाला कैसे बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने शाही पनीर टिक्का मसाला बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ बहुत कुछ लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिंट लीव्स यानी कि पुदीने की पत्ती और बारीक टुकड़ों में कटी हुई हरी धनिया, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और मिर्च के छोटे बड़े टुकड़े आप किसी भी आकार में कट कर सकते हैं। प्याज हमने कुछ गोल शेप में कट किया है, कुछ हमने स्लाइस में लिया हुआ है और हमने दो यहाँ पे लाल मिर्च ली हुई है सूखी। फिर हमने यहाँ 200 ग्राम से 250 ग्राम के आसपास पनीर लिया हुआ है। हमने हींग ली हुई है फ्रेंड्स, एक ग्लास दूध लिया हमने फुल क्रीम वाला, टमाटर प्यूरी, आपके पास टमाटर हो तो उसे आप मिक्सर में पीस के बना सकते हैं, नमक आप स्वाद के अनुसार कोई भी नमक जो यूज करते हो वो ले सकते हैं। हमने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली हुई है, दूध से तैयार कर सकते हैं हम घर पे। लाल मिर्च पाउडर लिया है, जीरा लिया है हमने बघार करने के लिए, आप शाही जीरा यूज करें जो कि छोटे साइज की होती है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और हमने यहाँ पे दो तेज पत्ते लिए हुए हैं, हल्दी लिया है हमने और यहाँ पे हमने गरम मसाला मिक्स लिया है। आप गरम मसाला हमेशा खड़ा लें, उसे मिक्सर में पीस लें, इससे हमारा क्या है टेस्ट सब्जी का बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम शाही पनीर टिक्का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमने एक कढ़ाई ली हुई है, आप कोई भी बर्तन ले लें अपना जिसमें आपको बनाना है। और हमने यहाँ पे इंडक्शन की फ्लेम को ऑन कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप जब भी इसे चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, पर ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हमें घी जो है कि पचा नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पनीर भी ली हुई है और हम यहाँ पर पनीर जो कि दूध से ही तैयार हुआ है और दूध भी हम इसमें मिक्स करेंगे, इसलिए हम घी से यहाँ नहीं बना रहे हैं। यहाँ हमने तेल लिया हुआ है, आपके मन के ऊपर है, आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल अब गर्म होने लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पतंजलि का हींग लिया हुआ है, आप थोड़ा सा हींग ले लें, आप देख सकते हैं हमने थोड़ी सी हींग ले ली है बघार के लिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हमें ये जो हमारे पनीर के टुकड़े हैं हमें इसे हल्का सा ब्राउन करना है ऑयल में, तेल में। ये जब तेल हमारा गर्म हो जाए, आप देख सकते हैं ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है, जब अच्छे से ये गर्म हो जाए तब हमें इसमें अच्छे से पनीर को डालना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमारा तेल अच्छे से गर्म होने लगा है, अब हमें एक एक करके इसमें पनीर के टुकड़े को डाल देना है सभी टुकड़ों को, और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट पका के निकाल लेना है। हम अपने सभी पनीर के टुकड़ों को फ्रेंड्स हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये बहुत ही सख्त हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पनीर के टुकड़े कभी कड़े हो जाए तो आप इसे गर्म पानी में भिगा के 5 मिनट के लिए रख दें, तो आपके पनीर जो हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि हमारा पनीर जो है हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से एक कोटिंग कर लेनी है पनीर की। आप
आप सब देख सकते हैं जैसा कि हमने घर पे आपको पनीर बनाना बताया है आगे की वीडियो में, तो आप ऐसे ही दूध से घर पे पनीर बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बन जाता है फ्रेंड्स, मैंने इसे घर पे बनाया है। तो हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, फिर हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हमें इसी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है, और हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं, फिर हमें उसी कढ़ाई में ये हींग डाल देना है। आप सब देख सकते हैं हमने हींग डाल दिया है, फिर हमने जो शाही जीरा लिया है फ्रेंड्स और तेज़पत्ते, हमें इसे भी डाल देना है, और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है, और इसकी फ्लेम को हमें बिल्कुल ही स्लो कर देना है। फिर हमने यहाँ पे जो कटे हुए शिमला मिर्च लिए हैं फ्रेंड्स, हमें इसमें डाल देना है शिमला मिर्च, और दो कटी हुई लाल मिर्च, आप थोड़ा खीरा लगा लें उसमें, और प्याज डाल दें एक साथ स्लाइस वाली, और इसे हमें इन तीनों को अच्छे से पका लेना है फ्रेंड्स। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगेगा। अब आप अपना फ्लेम बढ़ा सकते हैं गैस का, ताकि ये अच्छे से जल्दी से पक जाए। हमें इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स इसे हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है, आप सब देख सकते हैं ये जलना नहीं चाहिए। आप तेल उतनी ही मात्रा में पनीर को फ्राई करते वक्त लें जितने में कि हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाए फ्रेंड्स, वरना उस तेल या घी में पनीर हम जब फ्राई करते हैं तो फिर वो बचता है, तो उसमें पनीर की स्मेल आने लगती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा प्याज जो है उसका कलर धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, मिर्ची की भी कलर हमारी चेंज हो रही है। अबे हमें इसमें हल्दी मसाला डालना है, आप देख सकते हैं हल्दी आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे हल्दी ले लिए हैं, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हल्दी लिया है, इसे हमें 1/2 टीस्पून डालना है, आप छोटे चम्मच से ही डालें हल्दी। तो आप देख सकते हैं हमने हल्दी को मिक्स कर लिया है यहाँ पर, अब हम अपने गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल ही स्लो कर दिया है, और इसे एक साइड रख दिया है। अब हमने यहाँ पे जो हमारी टमाटर प्यूरी ली थी हमें इसे डालना है, जो कि हमारा प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए, तो हमें 1 मिनट और लगेगा फ्रेंड्स इसे पकाने में। अब हम अपनी फ्लेम को बढ़ा देते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसलिए अब हम यहाँ पे टमाटर प्यूरी इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो आप टमाटर को छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कलर कितना ही प्यारा आया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे, जब ये पक जाए तब हम इसमें पनीर के टुकड़े डालेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देते हैं पकने के लिए। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है, और हमारा जो टमाटर प्यूरी और मसाले इसमें हमने कुछ डाले थे वो पक चुके हैं फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ हमने जो खड़े गरम मसाले का पाउडर लिया है वो आप ले सकते हैं, यहाँ हमने 1 टेबल स्पून लिया है फ्रेंड्स, और हमें इसमें मिक्स करना है 1 ग्लास दूध। दूध आप फुल क्रीम वाला लें, उबाल के मलाई ना निकालें, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही बढ़िया आया है फ्रेंड्स। ये 2 मिनट पकेगा, फिर हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे लाल मिर्च ली हुई है, जो कि हमने टाटा संपन्न का लाल मिर्च पाउडर लिया है, हमें इसे भी 1/2 टेबल स्पून ले लेना है, आप देख सकते हैं
और हमें यहाँ पे नमक लिया है, रेगुलर नमक, आप जो भी नमक यूज करते हैं उसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक लेंगे अपने स्वाद के अनुसार, जितनी आपकी सब्जी हो आप उतनी मात्रा में डाल सकते हैं, उसके स्वाद के अनुसार आप देख सकते हैं कि हमारे सब्जी का कलर कितना ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमने केसरी ऑरेंज फूड कलर लिया हुआ है जो कि फ्लावर फूड कलर है, तो आप इसे एक पिंच ही डालें, ये बिल्कुल ही होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होगा। फ्रेंड्स इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा आएगा, आप देख सकते हो होटल वाले सिर्फ मिर्ची से ही उसका कलर नहीं आता है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अच्छा सा कलर आ गया है एक इसका, और ये कितना ही सुंदर दिखने में लग रहा है और इसकी सुगंध भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स अब हमने पनीर के टुकड़ों को यहाँ पर डाल देना है, तो अब हम यहाँ पर सारे जो हमारे पनीर के टुकड़े हैं हमें इन्हें डाल देना है फ्रेंड्स, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से पकने देते हैं। मैं आपको दिखलाती हूँ ये कितना ही अच्छा बन के तैयार हो रहे हैं। अब हमें इसमें एक मिंट लिप्स डाल देनी है, आप देख सकते हैं हमने एक पुदीने की पत्ती को डाल दिए हैं, सिर्फ हमें इसे 1 मिनट ही पकाना है फ्रेंड्स, और हमारा जो शाही पनीर टिक्का मसाला है वो बन के रेडी हो जाएगा बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप देख सकते हैं ये कितना ही थिक और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे 1 से 2 मिनट पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो चुका है और हमारा जो पनीर यानी कि शाही पनीर टिक्का मसाला है वो बिल्कुल ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। आप पनीर का कलर भी देख सकते हैं कितना ही प्यारा है, मैं आपको पास से दिखला देती हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है बिल्कुल ही रेस्टोरेंट और होटल जैसा, और इसमें जो मिर्ची से हमने बघार किया था वो मिर्ची भी बहुत ही अच्छे से पक गई है फ्रेंड्स, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। आप इसमें तेज पत्ते ज़रूर डालें बघार में, इसे शाही पनीर टिक्के मसाले की सब्जी जो है वो बहुत ही अच्छे से बन जाती है, इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सब्जी जो है बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम को यहाँ बंद कर देते हैं, और एक सर्विंग प्लेट आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ ले लिया है, तो हम इसमें यहाँ निकाल लेंगे हमारा शाही पनीर टिक्का मसाला। आप देख सकते हैं कि ये कितना ही अच्छा बन के तैयार हो गया, और ये बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, इसमें बिल्कुल ही ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर टिक्का मसाला जो है कि शाही पनीर टिक्का मसाला ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो गया है, तो आप इसे घर पर ज़रूर बताएँ और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा, जिससे कि हम और भी नई सब्जियां आपके लिए लेके आ सकें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप फुल क्रीम लिया हुआ है हमने जो कि दूध से ही तैयार किया है घर पे, तो आप इसमें चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, वो भी आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं, जब आप मलाई बनाते हैं घर पे तो आप देख सकते हैं हमने बटर भी घर पर ही तैयार किया है, इसे हमने यहाँ डाल दिया है, और हमने यहाँ पर फुल क्रीम लिया हुआ है दूध से जो कि हमने तैयार किया है, आप इसे भी डाल दें, इससे सर्विंग करें इसको डाल के, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे 1-2 मिंट स्लिप्स रख दिए हैं जो कि शाही पनीर टिक्का मसाला की जान है मिंट लिप्स, और हमें कुछ यहाँ पे ग्रीन हरी धनिया यानी उसे गार्निशिंग कर देना है फ्रेंड्स ये। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा शाही पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल ही अच्छे से घर पर बन के कम समय में तैयार हो गया है, तो अगर आप सबको हमारा आज का शाही पनीर टिक्का मसाला का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर फ्रेंड तक आप मेरी मम्मी का शाही टिक्का पनीर का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।